अरे गोरखपुर वालों बताओ, आपके लिए लिंक एक्सप्रेस वे बना था, जुड़ गया कि नहीं जुड़ा अभी तक? अगर जुड़ा होता तो हमारे हवाई जहाज से नहीं, हम सड़क से ही आपके बीच में आ जाते। और जो लिंक एक्सप्रेस वे जुड़ रहा है, बताओ कब जुड़ना था? आज भी नहीं जोड़ पाए। नहीं। और आप गणित, आप लोग हिसाब किताब लगाना, हमारे मुख्यमंत्री तो 46 में 56 जानते हैं, लेकिन हम आपको बता के जा रहे हैं ये 90 किलोमीटर की सड़क लगभग 5,000 करोड़ रुपए बन रही है। बताओ 90 किलोमीटर सड़क 5,000 करोड़ में, बताओ कहाँ का हिसाब किताब लगा रही है लोग? अगर ये बात गलत हो तो पत्रकार साथियों छापना आप लोग, नहीं है पत्रकार साथियों छापिए आप, बताओ 90 किलोमीटर की सड़क 5,000 करोड़ में, ये कौन सा हिसाब किताब चल रहा है? सब जेब में जाएगा। अरे कम से कम, नहीं नहीं, एक पे एक फ्री चल रहा है बाजार में आजकल, मॉल में जाओ आप, कई बार ऐसा मिलता है कि एक सामान लो दो फ्री मिल जाएंगे आप, कहीं ऐसा हिसाब किताब तो नहीं है? सोचिए 90 किलोमीटर 5,000 करोड़ में। इसीलिए हम कह रहे हैं ये दिल्ली लखनऊ वालों के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, दिल्ली वाले छापा यहाँ मार रहे हैं, यहाँ वाले छापा वहां मार रहे हैं। इसलिए चुनाव में मदद करिए, क्योंकि बेरोजगारी से लेकर के महंगाई और इन सरकार में बैठे लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश चौपट कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश के विकास नहीं हो रहा जिस दिशा में, जिस तरीके से विकास होना चाहिए था। ये जो सड़क दिखाई दे रही है 4 लेन, बताओ समाजवादियों की देन है कि नहीं है? ये एम्स को जमीन दी समाजवादियों ने कि नहीं दी? ये गोरखपुर में कमाल के हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें ऊंचाई से डर लगता है, हमारे मुख्यमंत्री ऊंचाई से डर लगता है इनको। एक पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में बनवाया और उसकी छत पे हेलीकॉप्टर है, उतार सकते हैं, कभी नहीं उतर पाए वहां पर। और सुना है यहाँ की जो बिल्डिंग समाजवादियों ने बनाई थी ज्यादा फ्लोर की थी, उन्हें ऊंचाई से डर लगा, 4 फ्लोर हटा दिए। बताओ कैसा हिसाब किताब लगा रहे? और जो इलाज, जो दवाई, जो सुविधा मिलनी चाहिए अस्पताल में नहीं मिल पा रही है, और एम्स में भी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो बजट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं इस चुनाव में सरकार।